मौसम बारिश से बरघाट क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि, किसानों की फसल हुई चौपट। फसल का सर्वे करने पहुंचे SDM HK घोरमारे, तहसीलदार पीयूष दुबे, नायब तहसीलदार पूजा राणा, पटवारी अनूप मिश्रा, सरपंच मनोज रहांगडाले एवं ग्राम के लोग उपस्थित रहे। जहां सर्वे करने पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि सर्वे के बाद रिपोर्ट भेजेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता संजय काड़े के साथ। इस वक्त मैं हूँ किसानों के खेत पर, और आपको बताऊं मैं यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, किसानों का कितना नुकसान हुआ। ये गेहूं की बाली है पूरी तरह जमीन पर गिर चुकी है, और निश्चित है किसान इतनी मेहनत करता है अन्न को पैदावार करने के लिए, और आज उसका इतना नुकसान हुआ है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार कितनी किसानों की मददगार साबित होती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ धारना में सेवक राम जी रहांगडाले के खेत पर हैं, और कल जो ओलावृष्टि हुई है, कुदरत की ऐसी मार रही कि आया हुआ गेहूँ भी इतना नुकसान हुआ है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए, साथ में SDM भी है, तहसीलदार महोदय भी है। आइए इनसे हम जानते हैं कि शासन की तरफ से अब इनको क्या सुविधाएँ मिलेंगी, साथ में ग्राम सरपंच भी है। हमारे साथ हैं बरघाट SDM महोदय, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आप प्रशासन की तरफ से यहाँ पूरे पहुँच रहे हैं सर्वे में, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कल नुकसान हुआ इसके बारे में? इसके बारे में हमने टीमें गठित कर दी है, हमारे RI और पटवारी तथा फील्ड पे हैं, और सर्वे चल रहा है। सर्वे के उपरांत में क्रॉप कटिंग के बाद में जो भी यदि क्षतिपूर्ति पाई जाती तो उसकी केस बना के प्रकरण बनाए जाएंगे यदि ऐसी स्थिति बनती है तो। अभी बरघाट में सर कहाँ कहाँ सर्वे हुआ आपका? लगभग सारे पटवारी हमारे फील्ड में ही हैं। अभी सरपंच जी, आप भी प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर है और आप भी साथ में घूम रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप किसानों को? बिल्कुल, अभी प्रशासन का पूरी सक्रियता के साथ में किसानों के प्रति जो है तो पूरे फील्ड में प्रत्येक गांव में जा करके पूरा अमला, शासकीय अमला पूरा सर्वे कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक गांव में जा करके एक बारीकी से पूरे सर्वे होगा, और जो परसेंटेज आएगा जितना अधिक से अधिक जो ज़्यादा किसानों का लाभ हो सके उसमें मुआवजा देने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है प्रशासन भी, और प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है, उसके लिए प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है कमलनाथ की, सरकार से क्या सुविधा होंगी आपकी तरफ से? प्रयास करेंगे हम लोग कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुआवजा मिल सके और उनकी जितनी अच्छी सुविधाएँ हो सके उतना। तमाम ग्राम के गणमान्य लोग भी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कल ओलावृष्टि के बारे में इनका क्या कहना है। ग्राम पटेल साहब, आप बताइए कल ओलावृष्टि में इतना किसानों का नुकसान हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि यह जो ओलावृष्टि हुई है इसमें हर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से जी, और इसके साथ साथ इतनी क्षति हुई है, इतने भारी मात्रा में ओला गिरा यहाँ पर कि जिसकी तारीफ है कि पत्ते तक पेड़ों के नीचे गिर रहे हैं। पटवारी जी हल्का नंबर 39 के और हमारे साथ खड़े हैं, आइए इनसे हम जानते हैं। पटवारी साहब, क्या आदेश है शासन का आपको? देखिए क्या है, कल रात को लगभग शाम के 3-4 बजे करीब जो ओलावृष्टि चालू हुई, उसके बाद उस समय मैं हल्के में ही था और तुरंत मैंने मौका जांच किया और तुरंत तहसीलदार साहब को जानकारी दिया कि ओलावृष्टि हो रही है, और थोड़ा ओलावृष्टि ज़्यादा भी हुई, तुरंत मेरे द्वारा शाम को सरपंच जी के साथ मौका जांच की गई, 2-3 किसान तुरंत गए, फिर इसके बाद जैसे ही हम गए फिर बारिश होने लगी, ओलावृष्टि फिर चालू हो गई, फिर बंद किया गया, फिर चालू किया गया। हमें यहाँ के सरपंच SDM महोदय और तमाम जो प्रशासन के अधिकारी ग्राम के लोग भी खड़े हुए, जिन्होंने हमें यहाँ पर SDM महोदय ने बताया कि जो भी शासन की योजना आएगी हम जरूर इन तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ संजय काड़े, MP24 न्यूज़, बरघाट धारणा से।